नमस्कार, मैं आनंद अन्ना आप सभी म्यूज़िक लर्नर्स कलाकारों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे अपने इस चैनल पर जिसका नाम है सुरभि स्वर संगम। तो आज मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का फिर से आप लोगों को आंसर देने वाला हूँ। कई सारे व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर आप आपके बैंजो की क्वालिटी, मतलब उसका जो आवाज़ है वो किस तरीके से आप लोग बनाते हैं, है ना। तो आज मैं उसी का आंसर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर ना तो कोई सा DD3 यूज़ करता हूँ और ना ही कोई इको मशीन यूज़ करता हूँ। मैं सिंपल, मेरा जो आप लोगों को मैंने रिव्यू दिया था, मेरा जो स्पीकर है PM40, ठीक है, स्ट्रेंजर का, उसी से मैं अपने ये सारे वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ है जो कि मीडियम है मेरा, और मीडिएटर का जो काम करता है, जिसका काम ही क्वालिटी बनाने का है, जिसका काम ही एक जो क्लियर वॉइस है उसको कैच करने का होता है, तो वो है माइक, बोया माइक, जिसके थ्रू मेरी आवाज़ इतनी दूर से, मेरा कैमरा सामने रखा हुआ है, ठीक है, कम से कम 3 से 4 फीट की दूरी पर मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है, वहाँ पर मेरा मोबाइल रखा हुआ है, तो इतनी दूर से आवाज़ इतनी क्लियर आना वो किस वजह से आएगी, वही माइक मैं यूज़ करता हूँ। तो आज मैं उसी माइक के बारे में आपको बताने वाला हूँ और उसी माइक के थ्रू आपको बैंजो की जो आवाज़ है वो इतनी क्लियर आती है और मेरी जो आवाज़ है वो आपको इतनी क्लियर आती है। तो आज मैं आप लोगों को स्ट्रेंजर की थोड़ी सी सेटिंग भी बता दूंगा, ठीक है, जिस सेटिंग में मैं बजाता हूँ, ठीक है। वो हालांकि सबकी सेटिंग अलग अलग हो सकती है, कुछ लोगों को इको कम पसंद होता है, कुछ लोगों को रिवर्ब कम पसंद होता है या ज़्यादा पसंद होता है, जो भी है, ठीक है। लेकिन मैं जिस तरीके से मेरा जो वीडियो शूट करता हूँ, जहाँ पर मेरा बैंजो आपको सुनाई देता है, उसकी जो क्वालिटी बनती है उसी क्वालिटी की सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो माइक है उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ और आप इसको कैसे परचेस कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और स्ट्रेंजर का भी थोड़ा सा मैं सेटिंग आपको बता रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग सुन लेते हैं इस माइक की क्वालिटी को, हम लोग पहले थोड़ा इसका आकलन कर लेते हैं। और आकलन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं सबसे पहले बिना इस माइक के आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो के साथ आप इस माइक को लगा करके फिर मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ। वीडियो सुनाता हूँ मतलब कि बैंजो सुनाता हूँ, ठीक है ना। तो पहले तो मैं बिना माइक के बैंजो सुनाऊंगा, फिर वहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरीके से आपको आवाज़ आ रही है, और फिर उसके बाद मैं बैंजो को, मतलब माइक को लगाने के बाद फिर बैंजो आपको सुनाऊंगा, तब आप देखिएगा उसकी जो क्लैरिटी है उसमें कितना अंतर दोनों वीडियो में आपको डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सुन लेते हैं विदाउट माइक बैंजो की आवाज़ किस तरीके से आ रही है। अब हम लोग सुनते हैं माइक को लगाने के बाद, ये जो माइक है इसको लगाने के बाद बैंजो की क्वालिटी में क्या अंतर आता है, आप लोग अभी सुनेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा क्या अंतर आपको लग रहा है। किस तरीके से आपको दोनों ही आवाज़ में अंतर सुनाई दिया होगा, माइक लगाने से पहले और माइक लगाने के बाद कितनी क्लियरिटी बैंजो में आ जाती है। तो बिना देरी करते मैं आपको इस बोया माइक की सेटिंग आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से शूट करता हूँ, और उस स्ट्रेंजर स्पीकर की भी मैं आपको सेटिंग बताता हूँ कि कितना इको मैं रखता हूँ, कितना ट्रेबल रखता हूँ, कितना बेस रखता हूँ, ताकि एक अच्छी क्वालिटी उस बोया माइक के थ्रू आप लोगों के समक्ष पहुँचती है, ठीक है। तो ये बिना देखे तो हम लोग इन दोनों का सेटअप हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये है मेरा बैंजो, ठीक है, और यहाँ से ये है कनेक्शन मैंने लिया, ये तो जैक टू जैक केबल है
जो कि स्पीकर में लगती है, ठीक है ना। तो अभी मैंने सारी चीज़ें पास में ही रख ली है ताकि ज़्यादा दूर बार बार जाने की ज़रूरत ना पड़े। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मेरी वो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, माया जाल या फिर माइक का जाल, जो मेरा कॉलर माइक है जो मैं यूज़ करता हूँ, जहाँ जो अभी मेरी आवाज़ आ रही है आपको, तो उसका एक सिरा तो मैंने मोबाइल में कनेक्ट करके रखा है और एक सिरा मैंने अभी हाथ में उसको पकड़ के रखा है जिससे मैं बोल रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये माइक देखिए आप, ये यही है वो माइक जिसको मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये मेरा कॉलर माइक इस तरीके से, यहाँ पर हमने ये होता है यहाँ पर, तो आप आपकी टी शर्ट या शर्ट में, अपने कॉलर में कहीं पर भी इसको इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। और यही है वो मेरे बेंजो की, मेरे जो चांद है उसमें चार चांद लगाने वाला है तो इसी के थ्रू आपको इतनी क्लियर आवाज़ आती है। मेरी भी अभी आपको मेरी थोड़ी कम आवाज़ आ रही होगी क्योंकि ये माइक मैंने दूर कर रखा। देखिए अभी आवाज़ देखिए आप लोग कम आ रही है, जैसे जैसे मैं इसको मेरे पास लेकर आऊँगा तब आपको आवाज़ में थोड़ा सा अंतर दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो माइक है, इसकी वजह से ही मैं मेरे जो बेंजो है उसमें क्वालिटी आती है। और ये है वो स्पीकर, तो जहाँ पर मैं अपने माइक को इस तरीके से, यहाँ पर आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियो देखते होंगे, तो इस तरीके से मैं यहाँ माइक को ऐसे रख देता हूँ और ये स्पीकर की जो पूरी आवाज़ है वो इस माइक में जाती है, वो एकदम साफ और क्लियर आवाज़ यहाँ पर जाती है, ठीक है ना। तो यही हो गया, यहाँ पर मैं DD3 वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता हूँ, केवल इको यूज़ करता हूँ, वो भी इस एम्पली स्पीकर का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस एम्पली स्पीकर की भी सेटिंग आप देख लीजिए, देखिए। तो यहाँ पर ये पहली, ये तो ऑक्स है, ये बेस गिटार, इसको दोनों तो ऑफ है एकदम, है ना। ये माइक, इसमें मेरा बेंजो की कार्ड लगती है। उसके बाद इको जो है मैं एकदम फुल पे रखता हूँ, ठीक है ना, एकदम फुल रहता है इको। और टाइमिंग जो है वो मैं इसको यहाँ पर हाफ, मतलब दो पर इसको मैं रखता हूँ, ठीक है ना, एक चौथाई केवल खोल के रखता हूँ मैं, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है आपको कितना रिपीट चाहिए, कितना कम रिपीट चाहिए, आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से रखता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद बेस और ट्रेबल जो है वो मैं दोनों बराबर रखता हूँ, ठीक है ना, बेस और ट्रेबल एकदम बराबर ही रहते हैं मेरे, ठीक है। यदि आपको ट्रेबल बढ़ाना है तो आप ट्रेबल बढ़ा सकते हैं, और कम करना है तो कम कर सकते हैं, बेस बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसा भी आपको पसंद है, आपके बेंजो को सुनना, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो मैं तो बराबर इसको रखता हूँ सेटिंग में। तो इस तरीके से मेरी ये एम्पली स्पीकर की सेटिंग रहती है, और यहाँ पर ये मेरा माइक रखा रहता है, ठीक है। और जब मैं, मुझे तुरंत ही शूट करना होता है तो मैं अपना कॉलर माइक पर ही रखता हूँ और अपना बेंजो का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो बस यही है सेटिंग, मेरा पूरा जो सेटअप है और जो क्वालिटी का जो राज है वो तो यही है। और यह है मेरा बेंजो, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, तो फाइनली आप लोगों ने पूरा सेटअप मेरा देख लिया, किस तरीके से मैं पूरी सेटिंग करता हूँ एक अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए बेंजो की, ठीक है। तो यहाँ पर जो विशेष जो योगदान है वो मेरा जो स्ट्रेंजर स्पीकर है उसका है, और ये जो बोया माइक है इसी के थ्रू हमें आप तक अच्छी क्वालिटी का जो ऑडियो है वो मैं आप तक पहुंचा पाता हूँ। तो यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आप भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर अपने बेंजो का एक अच्छी क्वालिटी के साथ वीडियो बनाकर आप भी शेयर करें, ठीक है, तो आप लोग भी इस बोया माइक का यूज़ करें। बोया माइक आप लोग परचेस कर सकते हैं, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मैं वहाँ पर इसका लिंक दे दूँगा, आप इसको डायरेक्टली ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, आपके घर ही आ जाएगा, ठीक है ना, 7-8 दिनों में आपके घर ही आ जाएगा। और ये इसका प्राइस भी मेरे ख्याल से 1000 के लगभग, इसका प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा, आई डोंट नो, बट इतने में ही ये आ जाता है, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्वालिटी से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बोया माइक आप लोग परचेस कर सकते हैं, आप उस लिंक पर जाइए, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसको अपने घर पर बुलवा सकते हैं।
और रही बात स्ट्रेंजर की, यदि जिन लोगों के पास स्ट्रेंजर नहीं है PM40, तो वो भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, तो ये दोनों चीज़ों का मैंने लिंक दे रखा है। आप यदि परचेस करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को अपने घर पर ऑनलाइन ऑर्डर कर कर बुला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और भी यदि आप लोग के कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आप लोग के सारे क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उससे रिलेटेड आप लोगों को आंसर देने की कोशिश भी करता हूँ। तो जो लोग नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आएगा उसका तुरंत आपको अपडेट मिल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।